बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हाथ की कढ़ाई में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग करेंगे। जो भी डिज़ाइन हमने बनाना हो, सबसे पहले हम पेंसिल से ड्रा करते हैं और ये कटर हम धागा काट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम पिंक कलर धागा लगाएंगे और डबल लेयर धागा लेंगे। इस तरह से लाइन के एक सिरे से हम सुई को निकालेंगे और दूसरे सिरे पर ले जाएंगे। इस तरह से लाइन के एक सिरे से निकालेंगे तो इस तरह से लंबा टांका लगाएंगे और लाइन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे इस तरह, और दूसरी लाइन पर ले जाएंगे। ऐसे ही इसको बैक करेंगे और दूसरी लाइन पर ले जाएंगे और दूसरी लाइन पर टांके को निकालते हुए हम दूसरी साइड पर जाएंगे और दूसरी लाइनें भी हम ऐसे ही इसी तरह डिज़ाइन करेंगे। इस तरह लंबा टांका लगाएंगे और दूसरी लाइन पर ले जाएंगे इस तरह। ये पूरी लाइनें हम ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे इस तरह से। देखें, ये साइडें हमने बिल्कुल बराबर रखनी है इस तरह से। देखें, साइडों पर हम बिल्कुल इसको बराबर रखेंगे। अब रेड कलर के धागे से हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से एक कोने से सुई को निकालेंगे तो दूसरे कोने पर ले जाएंगे। ऐसे ही चारों साइडों से हम इस पर टांका लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती जाएगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो हाथ की कढ़ाई के बारे में अपलोड की हैं और मुख्तलिफ टांके बताए हैं। इस तरह से देखें, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। इस तरह के फ्लावर हम दुपट्टों पर, शर्टों पर और बेबीज़ फ्रॉक पर बना सकते हैं और ये बने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा हम इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइन ट्राउज़र पर बना सकते हैं। ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक कोने से टांका लगाएंगे और दूसरे कोने पर, फिर तीसरे कोने से चौथे कोने पर जाएंगे। इस तरह से एक कोने से दूसरे कोने पर, फिर दूसरे से तीसरे और चौथे कोने पर ले जाकर इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम लाइन के इस तरह से देखें, ये जो लाइनें लगाई हैं, अब इस पर हम इसके किनारों पर हम छोटे छोटे से मोती बनाएंगे और इस तरह से एक हाथ से धागे को पकड़ेंगे और दो बाल लगाएंगे और सुई को उसी होल से नीचे करेंगे और धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच कर रखेंगे। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मोती से इस तरह से बन जाते हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन पर बनाएंगे, इस तरह धागे को पकड़ेंगे और कपड़े की साइड से दो बाल लगाएंगे और उसी होल से सुई को नीचे करेंगे और धागे को हम इस तरह से खींच कर रखेंगे। इस तरह देखें, बहुत ही खूबसूरत ये मोती से बन जाते हैं। पूरी लाइनों पर, किनारों पर हम ऐसे ही मोती बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से सारी लाइनों पर हम ऐसे ही बनाएंगे। अब हम ग्रीन कलर के धागे से ये पत्तियां बनाएंगे और पत्तियां बनाने का बहुत ही इजी और न्यू तरीका बताऊंगी। इस तरह से पत्ती के दरमियान से हम सुई को निकालेंगे तो ऊपर नोक पर ले जाएंगे और इस तरह तिरछी सुई निकालेंगे। ऐसे ही पत्ती के दरमियान से हम दूसरी साइड से निकाल कर पहली साइड पर ले आएंगे। हर दफ़ा टांके को हम थोड़ा सा नीचे करते जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे ऊपर से भी और नीचे दोनों साइड से टांके को थोड़ा सा नीचे करते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत पत्ती बन जाती है। इस तरह से एक साइड से निकालेंगे तो दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ऊपर से भी एक साइड से निकालेंगे तो दूसरी साइड पर ले जाएंगे। पहले टांके के थोड़ा सा नीचे टांका लगाते जाएंगे इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू न्यू डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करते रहें। इस तरह से ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और इजीली ये पत्ती बन जाती है।
इस तरह की पत्तियाँ हम किसी भी फ्लावर में, किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। ये चारों साइडों पर हम ऐसे ही पत्तियाँ बनाएंगे। इस तरह से देखें पत्ती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे ही चारों साइडों पर हम ऐसे ही पत्तियां बनाएंगे। ये जो पत्ती बनी हुई नज़र आ रही है, ये सारी पत्तियां हमने ऐसे ही बना दी हैं। अब लाइनों के दरमियान में हम इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां बनाएंगे। इस तरह पत्ती बनाते वक्त हम धागे को सुई के फ्रंट रखेंगे इस तरह, और ये पत्ती खुद खुद बनती जाएगी। सारी लाइनों के अंदर हम ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से। अब ये डिब्बों के दरमियान में हम छोटे छोटे से मोती बनाएंगे, जैसे कि हमने लाइनों के साइड पर बनाए हैं, ऐसे ही हम ये मोती बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर तैयार करके दिखाएंगे। इस तरह से देखें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बने।